हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हंग्री शेफ कक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज्जा, वो भी तवा पे। ये काफी टेस्टी लगता है और इसका टेस्ट बिल्कुल पिज्जा जैसा होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, चीज, कैप्सिकम, टोमेटोज, अनियन, कॉर्न, शेजवान चटनी, टोमेटो केचप, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें शेजवान चटनी को डालेंगे। ये पिज्जा सॉस बनाने का प्रोसेस है। शेजवान चटनी आपको किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप चाहे तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें किसान का टोमेटो केचप ऐड कर रहे हैं, ये इजीली अवेलेबल होता है। अब हम शेजवान चटनी और टोमेटो केचप को मिक्स कर देंगे और ये हमारा पिज्जा का सॉस रेडी हो गया, जिसे हम पिज्जा बेस पे लगाएंगे। तो हमने पिज्जा बेस के लिए ब्रेड लिया है, तो सबसे पहले हमें ब्रेड में एक साइड अच्छे से बटर लगाना है। ये वही साइड है जिसे हम तवे पे डालेंगे और इसी साइड से हम रोस्ट करेंगे। तो बटर आपको थोड़ी से ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे से लगानी है। और याद रहे कि बटर सिर्फ एक साइड लगाना है आपको। अब हम बटर वाली साइड को उल्टा कर देंगे और अब हम इसमें हमारा बनाया हुआ पिज्जा सॉस लगाएंगे। पिज्जा सॉस हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो ये हमारे ब्रेड पिज्जा बेस पे पिज्जा सॉस लग चुका है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अनियन के बाद हम इसमें टोमेटोज ऐड करेंगे। मैंने टोमेटोज को छोटे छोटे पीस में चॉप कर लिया है। टोमेटोज के बाद इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, इसे भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो ये धीरे धीरे हमारा ब्रेड पिज्जा काफी कलरफुल हो रहा है। अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ऑलिव और कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हमारा कॉर्न ऐड हो चुका है। अब हम इसमें चीज डालेंगे। मैंने प्रोसेस चीज को ग्रेट कर लिया है और इस पे हम अच्छे से चीज को स्प्रेड कर देंगे। मैंने अमूल का प्रोसेस चीज यूज किया है और इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। तो ये हमारा पिज्जा बेस रेडी है। अब हम इस पे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इस पे थोड़ा ज्यादा चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर सकते हैं, और अगर बच्चों को खाना है तो आप चिली फ्लेक्स अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने ब्रेड पिज्जा को तवे पे प्लेस कर देंगे और आपका गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए। तवे पे प्लेस करके हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और इसे हम कवर करेंगे। मैंने इसे केक टिन से कवर किया है, आप किसी भी चीज से इसे कवर कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारे केक टिन को हटाएंगे। तो ये
ये देखिए हमारा चीज़ मेल्ट हो चुका है और पिज़्ज़ा बेस पे जो बटर थी वो भी मेल्ट हो चुकी है। तो ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। आप चाहे तो इस पे फिर से ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसे केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसी और चीज़ी रेसिपी के लिए मेरे स्नैक वाली प्लेलिस्ट को चेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।